Good morning class, this is our new ANA physio class in which today we will study about the next function of GIT, that is secretory function. इससे पहले हम लोगों ने मोटिलिटी फंक्शन पढ़ लिया था GIT का, आज हम GIT के सीक्रीशंस पढ़ लेते हैं, यानी सीक्रेटरी फंक्शन GIT का. तो देखिए GIT का सीक्रीशंस, टोटल वॉल्यूम GIT सीक्रीशंस का होता है लगभग 6 से 8 लीटर पर डे, मतलब डेली रोजाना आपकी बॉडी के अंदर 6 से 8 लीटर GIT सीक्रीशन बनता है. ये सीक्रीशन GI ट्रैक्ट की स्पेशलाइज्ड सेल्स से बनता है. GI ट्रैक्ट की स्पेशलाइज सेल से, पेनक्रियास की, लिवर की और गॉल ब्लैडर की लाइनिंग की सेल से जो है ये सीक्रीशंस अराइज होता है. ये GI सीक्रीशंस लुब्रिकेट करता है, यानी वाटर म्यूकस को ऐड करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहा है. ये ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहा है, मतलब वाटर म्यूकस को ऐड करता है, जैसे म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है, HCl स्टरलाइज करने का काम करता है, बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन का काम कर रहे होते हैं. अब यहाँ पर देखिए माउथ में GIT का सीक्रीशंस, देखिए सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले यहाँ दिखाई गई है. 3 pairs ऑफ ग्लैंड्स हम बार बार पढ़ी चुके हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स. इसका फंक्शन क्या होता है, ये ओरल कैविटी को लुब्रिकेट भी करता है, उसको क्लीन भी करता है. दूसरा, ये केमिकल्स को डिसॉल्व करने का काम करता है, सलाइवा बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देता है, मुंह में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता है, और स्टार्च का डाइजेशन भी ये करता है एमाइलेज एंजाइम के द्वारा. ये एमाइलेज एंजाइम जो है वो सलाइवा से ही आपके फूड में ऐड होता है. अब देखिए ये डायग्राम के अंदर सबलिंगुअल डक्ट, लिंगुअल फ्रेन्यूलम, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, तो ये एक ग्लैंड बताई गई है, दूसरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये ग्लैंड की डक्ट, पतली पतली सी डक्ट निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको. देखिए थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए, है ना, पतली पतली सी लाइनें डक्ट की बताई गई हैं. ये यहाँ पैरोटिड ग्लैंड है, उसके पास की डक्ट निकल रही है, पैरोटिड डक्ट है, तो सारी ग्लैंड साथ में उसकी डक्ट दिखाई गई है. अब सलाइवरी सीक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है भाई, देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोई इनपुट वगैरह जब आ रहा होता है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मेड्यूला में जो सलाइवरी सेंटर पाया जाता है उसको स्टिमुलेशन मिलता है, और ये स्टिमुलेशन से क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है. ये सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सीक्रीशन करती है. अनकंडीशन रिफ्लेक्स में भी ऐसा हो सकता है, और प्रेशर रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स जो माउथ में होते हैं वो भी सलाइवरी सेंटर को मेड्यूला में, कीमो रिसेप्टर जैसे कि भाई आपने खाना देखा, खाने को सूंघा, खाने का नाम सुना और आपके मुंह में पानी आ गया, दैट इज सलाइवरी सीक्रीशन होना स्टार्ट हुआ, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हैं वो अपना वर्क प्ले कर रही होती है. तो खाने को देख कर, खाने को खा के तो चलो टेस्ट आ ही रहा होता है, इवन उसको देख करके, उसको सूंघ करके, उसको सुन करके भी मुंह में पानी आ जाना, तो वो इस तरह से इसका कंट्रोल या रेगुलेशन इस सलाइवरी सीक्रीशन का चल रहा होता है. तो ये तो माउथ का पार्ट हो गया. अब स्टमक के GIT सीक्रीशंस को देखिए भाई, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक की ल्यूमन दिखाई गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग दिखाई गई, और इसके अंदर हर जगह पर कौन कौन सी सेल है वो बताई गई है. देखो बड़ा अच्छा सा चार्ट है, अगर आप इस तरह से एग्जाम में बनाते हो ना, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. तो देखिए सबसे पहले ये म्यूकस नेक सेल दिखाई गई हैं, जिससे म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सीक्रीशन होता है. म्यूकस जो है वो ल्यूमन और एपिथीलियम के बीच में फिजिकल बैरियर का काम करती है, फिजिकली रुकावट पैदा करती है ल्यूमन और एपिथीलियम के बीच में, ये म्यूकस. दूसरा बाइकार्बोनेट, ये बफर होता है, बफर करता है गैस्ट्रिक एसिड को, ताकि ये एपिथीलियम में डैमेज ना कर दे, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड से पढ़ाया ना मैंने, अल्सर हो जाता है पेट के अल्सर, गैस्ट्रिक एसिड अगर ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाए, ज़्यादा इसका एक्सपोजर अगर ये एपिथीलियम में कॉन्टैक्ट में आता है या एपिथीलियम से कॉन्टैक्ट में आती है, तो ये अल्सर कॉज कर देता है, ना केवल म्यूकस में उस एपिथीलियम में बल्कि उसके अंडरलाइंग मस्क्यूलारिस में भी ऐसा कर देता है. इसके नीचे ये ऑरेंज कलर से पैराइटल सेल्स दिखाई गई है, पैराइटल सेल्स से गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रीशन होता है. ये चीज़ें हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, पर इसको इस तरह से टेबल फॉर्म में आप लिखते हो तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर. गैस्ट्रिक एसिड जो है वो
पैप्सिन को एक्टिवेट करता है जिससे, और प्लस बैक्टीरिया को किल करता है, पैप्सिन को एक्टिवेट करेगा बैक्टीरिया को किल करेगा, जबकि इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है ताकि उसका इजीली एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। इसके बाद ये ग्रीन कलर की सेल्स दिखाई गई हैं जिसको एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल कहा जाता है, इससे हिस्टामिन सीक्रेट होता है, ये गैस्ट्रिक एसिड सीक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है ताकि गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा सीक्रेट होती है। नेक्स्ट सेल्स हैं चीफ सेल्स, ये पिंक कलर से दिखाई गई है चीफ सेल्स, इससे पैप्सिन या आपका ये पैप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सीक्रेशन होता है। पैप्सिनोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जबकि लाइपेज लिपिड को यानी फैट को डाइजेस्ट करता है। तीसरी लाइट ब्लू कलर के अंदर डी सेल्स दिखाई गई है, सोमेटोस्टैटिन का सीक्रेशन करेंगी जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को इनहिबिट करती है। देखिए हिस्टामिन गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को स्टिम्युलेट कर रही थी जबकि सोमेटोस्टैटिन गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को इनहिबिट करती है। और लास्ट सेल्स हैं जी सेल्स, येलो कलर से बताई गई हैं, ये गैस्ट्रिन का सीक्रेशन करती है जो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को अगेन ये भी स्टिम्युलेट ही करता है। तो बड़ा अच्छा डायग्रामेटिकली देखिए बताया गया है, टेबल की फॉर्म में बता दिया है कि ये स्टमक के लेयर्स में, स्ल्यूमन में ये सेल्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। अब गैस्ट्रिक HCL का फंक्शन देख लीजिए भाई, ये पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करता है जिससे कि, और ऑप्टिमम pH भी प्रोवाइड करता है ताकि ये पैप्सिन अपना फंक्शन कर सके, अपना एक्शन दिखा सके। प्लस ये प्रोटीन का डीनेचुरेशन करता है ताकि डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, ये फूड में बैक्टीरिया को किल करता है, आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, ये पैनक्रियाटिक स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल सीक्रेशन को प्रमोट करता है। गैस्ट्रिक HCL पैनक्रियाटिक स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल के सीक्रेशन को भी प्रमोट करने का काम करता है, ये गैस्ट्रिक HCL का फंक्शन है। ये तीनों चीज़ें दिखाई गई भाई, HCL दिखाया गया, पैप्सिन दिखाया गया, ये पैप्सिन प्लस HCL दोनों एक साथ दिखाए गए हैं। अब पैप्सिन का फंक्शन देखिए, पैप्सिनोजन HCL की प्रेजेंस में जब pH 2 से 3.5 होती है तो पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट होता है, और फिर पैप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्टोन में तोड़ता है, प्रोटीन को डीनेचर करता है पेप्टोन में। अब दूसरा है म्यूकस और इंट्रेंसिक फैक्टर का फंक्शन पढ़ लेते हैं। अब HCL का फंक्शन पढ़ लिया, अपन ने जितने नाम लिए थे उनका सबका फंक्शन अपन पढ़ रहा है, म्यूकस और इंट्रेंसिक फैक्टर। तो म्यूकस सिक्रीशन, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल म्यूकस जो है वो स्टमक की सेल के द्वारा सिक्रीट होते हैं। सॉल्यूबल म्यूकस जो है वो स्टमक के कंटेंट के साथ में मिक्स होता है, काइम को लुब्रिकेट करने का काम करता है। सॉल्यूबल म्यूकस स्टमक के कंटेंट के साथ में मिक्स होता है, काइम को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है, जबकि इनसॉल्यूबल म्यूकस एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है स्टमक कंटेंट की हाई एसिडिटी के अगेंस्ट में। प्रोटेक्टिव बैरियर होता है ताकि स्टमक कंटेंट कि जो हाई एसिडिटी है वो पेप्टिक अल्सर ना कॉज कर दे स्टमक के अंदर, इसलिए ये बैरियर का काम करा है इनसॉल्यूबल म्यूकस। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। अब इस गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है भाई, देखिए मेड्यूला में जो वेगल सेंटर है उसमें ये फाइबर दिखाए गए हैं एफरेंट फाइबर, जैसे ही फूड आया तो ये स्टिम्युलेट होंगे, ये वेगस ट्रंक से, ये सीक्रेटरी फाइबर है, ये लोकल नर्व प्लेक्सेस होते हैं सीक्रेटरी फाइबर। अब जैसे ही आपने देखा करा ये खाने के बारे में सुना देखा, सिफेलिक फेज वाया वेगस के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक एक्साइट करते हैं पैप्सिन और एसिड के प्रोडक्शन को। यहाँ गैस्ट्रिक फेज के दौरान फेजेस पड़ी थी ना अपन ने, अलग अलग फेजेस, बक्कल फेज पड़ी थी, गैस्ट्रिक फेज, इसमें लोकल नर्वस सीक्रेटरी रिफ्लेक्सेस आता है, वेगल रिफ्लेक्सेस आते हैं, गैस्ट्रिन हिस्टामिन स्टिम्युलेशन होता है। फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ, ये यहाँ पर गैस्ट्रिन वगैरह रिलीज हो गया, स्मॉल बॉवल पर इसका असर देखिए, इंटेस्टाइनल फेज में नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म, तो ये सारी मैकेनिज्म रिफ्लेक्सेस वगैरह स्टिम्युलेशन वगैरह चलता है जिससे कि फूड का गैस्ट्रिक का सीक्रेशन जो है वो रेगुलेट होता है, ये सारे सारी नर्व्स वगैरह के साथ में ये फंक्शन बताया गया है। तो ये सीक्रेटरी फंक्शन अपन ने गैस्ट्रिक तक का पढ़ लिया है,
रिमेनिंग अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है अभी, तो रिमेनिंग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू क्लास।